नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा के आसार हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अलावा मोदी सरकार के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले हर पहलू को समझने की कोशिश में है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए को लेकर करीब दो महीने से चल रही असहमति पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई दिल्ली चुनाव की वजह से टाल दी थी। SC ST एक्ट की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ किया कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में FIR दर्ज करने से पहले किसी अथॉरिटी से इजाजत लेना भी अनिवार्य नहीं होगा। देश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुने गए 100 शहरों में से परियोजनाएं लागू करने के मूल्यांकन में सबसे अव्वल रहे 20 शहरों को अपनी सफलता के गुर 20 सबसे फिसड्डी शहरों को सिखाने की जिम्मेदारी मिली है। बताया जा रहा है कि ये शहर आपस में सिस्टर सिटी की तरह काम करेंगे। भारत की 12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी माउंट कांगगुआ पर जीत हासिल कर ली है, जहां काम्या ऐसा करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है। आपको बता दें कि माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांग्लादेश को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का काम वर्ष 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। सिंह ने कहा कि जब त्रिपुरा में अगरतला और बांग्लादेश में अखौरा के बीच रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो जाएगा तो 2022 में पूर्वोत्तर से बांग्लादेश तक पहली ट्रेन चलाने का मार्ग भी खुल जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह सोने से बना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनौपचारिक रूप से GST परिषद को साल में एक बार कर की दरों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, न कि हर 3 महीने पर, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था से सरकार और कारोबार दोनों में कुछ अनिश्चितता बनी रहती है। झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने रविवार को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, जहां इस मीटिंग में झारखंड के प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद थे। इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार रांची में बाबूलाल मरांडी 17 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसी कार्यक्रम में औपचारिक रूप से अपनी पार्टी JVM का विलय BJP के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी के जरिए छात्रों से परीक्षा को लेकर बातचीत की। उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब दिए और परीक्षा की तैयारी करने के लिए टिप्स भी दिए। CM बघेल ने छात्रों से कहा कि परीक्षा के समय खाना पीना सादा रखें, हल्का व्यायाम करें। नगर विमानन महानिदेशालय ने शनिवार को कहा कि 15 जनवरी के बाद चीन गए विदेशियों को भारत आने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि चीन में चल रहे कोरोना मामले को लेकर DGCA ने यह आदेश जारी किए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान से लगे समुद्र में भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने से रोकने के लिए इसरो ने ऐसा उपकरण तैयार किया है जो उनकी नौकाओं का पता लगाकर उन्हें संदेश पहुंचाकर सावधान करेगा। नौसेना के अधिकारियों ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी। PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डंडा वाले बयान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने 49 वर्षीय पुत्र को राजनीतिक प्ले स्कूल भेजना चाहिए ताकि वह शालीनता और भाषा के संस्कार सीख सके। सबरीमाला मामले में सुनवाई 17 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, जो प्रतिदिन की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल निश्चित किए गए हैं, जिनकी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से यह जानकारी आज दी गई। यूपी के अगले पूर्णकालिक DGP को लेकर आज फैसला हो सकता है। दरअसल यूपी के DGP के लिए शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग की बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि केवल इसकी औपचारिकता बाकी बची है, जो सोमवार तक पूरी होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आएगी और 15वें वित्त आयोग से निकायों को पहले ही उपेक्षा 3 गुना अतिरिक्त राशि मिलेगी। बड़ी बात तो यह है कि इस बार छावनी क्षेत्रों के विकास कार्यों में भी 8.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। राजस्थान के गृह विभाग ने पुलिस बेड़े में बदलाव करते हुए जहां 36 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, वहीं 5 आईजी रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति के बाद उनका एडीजी के तौर पर पद स्थापन किया गया है। इसके साथ ही 4 आईजी के ट्रांसफर भी किए गए हैं। एनडीए के घटक दल एलजीपी ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर एलजेपी 14 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली करेगी, जिसका नाम बिहार फर्स्ट रैली रखा गया है। फरवरी के महीने में भी दिल्ली एनसीआर वासियों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल आज सफदरजंग में सुबह 6 बजे तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का आधार बहुत बड़ा है, ये जाति मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। हमारा दल समाज के सभी वर्गों से मिलकर बना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद ने समय समय पर प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट।